बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मैं सबसे पहले तो नस्ट के वाइस चांसलर को इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं, जो नस्ट की पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपने मेंटेन किए हैं बल्कि इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो मैं आपको फरारी फैसल पेश करता हूँ। देखें, स्कॉलरशिप्स, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट, मसलन एहसास की हमने अलहदा स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलहदा, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। फिर जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पैसे ख़त्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने मुझे कंप्लेंट्स आए, तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आएं, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स हैं जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुल्क की क्या ज़रूरियात हैं और स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट के लिए मिल रही है, उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो जो तालीम का निज़ाम है, उसकी सबसे बड़ी, जो अगर मैं कहूँ कि तालीम का निज़ाम हम बना रहे हूँ, उसका पर्पस क्या है, उसका सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए नेशन बिल्डिंग। सेकेंडली, वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनका कनेक्शन हो नेशन बिल्डिंग और मुल्क को उठाने का। वो अभी कनेक्शन नहीं है, कई सब्जेक्ट्स हैं उनकी रेलेवेंसी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। हमारे मुल्क के अंदर कई सब्जेक्ट्स के अंदर, कई प्रोफेशन में लोग ही नहीं मिलते, और उनको अगर हम लेते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा उनको सैलरीज प्राइवेट सेक्टर में देनी पड़ती हैं। अगर साथ वाले हिंदुस्तान में देखो तो उनकी, क्योंकि वो उनकी तालीम वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में नहीं कर रहे, हम कनेक्शन नहीं है। सो इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। हमारी जो सिटीज़न पोर्टल का एक, जो अभी आपने बड़ी तफसील में बताया गया कि उसके अंदर उसको एक एक्सक्लूसिव उसके लिए हो, स्कॉलरशिप्स के लिए एक सेक्शन, और किसी को भी कोई कंप्लेंट हो वो उसके ऊपर आए। फिर एक पैनल ऑफ एकेडमिक्स, वो फिर उसके ऊपर बैठे हों और वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहे हों कि स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट्स में दी जा रही हैं, उनके अंदर क्या मेरिट है, मुल्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मसलन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक इनकलाब आया हुआ है, जो सबसे बड़ा, जो अब जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उससे क्या रेलेवेंस है, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप्स के ज़रिए उस तरफ डायरेक्ट करें अपने यूथ को। और फिर जो रहमतुल्लाह आलमीन, ये हमने इंट्रोड्यूस कराई है स्कॉलरशिप्स। ये क्यों करवाई है? मैं कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी देखें आप, ये अजीब अजीब चीज़ें सुनता हूँ, क्योंकि लोगों को बदकिस्मती से समझ ही नहीं है कि वो रहमतुल आलमीन की वो क्या हस्ती थी, वो कितना बड़ा इनकलाब आया था दुनिया की तारीख में। वो हमारे यूथ को नहीं अभी तक समझ आ रही। जब तक हम अपने यूथ को नहीं बताएंगे कि जो मदीना के अंदर कितना बड़ा दुनिया की तारीख का इनकलाब आया था, जिसकी वजह से अल्लाह का हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, वो किसी वजह से अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया था? अल्लाह तो बेनियाज है हमारी बेहतरी के लिए। जो भी माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा और जो मदीना की रियासत जिन उसूलों पे खड़ी की गई थी वो ऊपर चला जाएगा। जो इंसान उस रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कॉन्सेप्ट। हमारे नबी रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। क्योंकि सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, जो इंसान उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। अगर आज आपने दुनिया में माशरा देखना है जो उनके रास्ते पे चल रहा है, मैं आपको कभी आप स्कैंडिनेविया चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, ज्यादातर जो उन्होंने उसूलों पे मदीना की रियासत को खड़ा करा था वो लोग उस पे चल रहे हैं और खुशहाल हैं। प्रॉस्पेरिटी है उन माशरों में। तो इसलिए है कि वो जो उन्होंने प्रिंसिपल सेट किए थे। तो इसका मकसद क्या है? पहले तो अपने, क्यों देखिए दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, आप किसी को दीन ज़बरदस्ती नहीं, वो तो कुरान की हुक्म है अल्लाह का। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी यूथ को हम बताएं तो सही वो क्या प्रिंसिपल्स थे। सबको पता होना चाहिए, पर चॉइस अब आपकी है। आप नमाज में पढ़ते अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जो नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पर चले गए, तो वो तो अल्लाह ने हमें चॉइस दी हुई है दो रास्तों पर। लेकिन एक माशरे की जिम्मेदारी है कि हम बताएं तो सही वो रास्ता क्या है। और इसीलिए ये पहली दफ़ा रहमतुल्लाह अलमीन स्कॉलरशिप्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि हमें एक इंसान बनाए, उनके रास्ते पे चल के हम इंसान बनते हैं। और पाकिस्तान जो बना था उसका मकसद ही ये था कि हमने अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था कि हमने एक अजीम कौम बनना है, क्योंकि हम मिसाली इस्लामी रियासत बनेंगे, फलाई रियासत। तो हम वो भी अब, और मेरा ये ईमान है कि जो भी उस रास्ते पे अगर हम उनको समझा दें कि उनका रास्ता क्या था, तो वो लीडर्स प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि याद रखें कि मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख में इतने थोड़े टाइम में इतने अजीम लोग इतने पैदा नहीं बन गए जो उस रियासत में बने थे। तो ये तो फैक्ट है हिस्टोरिकल। सो इसलिए इसका एक मकसद होगा कि हम अपने यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ स्कॉलरशिप्स पे लेके जाएं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। दूसरा, उनको इंसान बनाएं जो रहमतुल्लाह आलमीन की उनकी बेसिक तरबियत करें। और तीसरी चीज़, मेरिट लेके आएं। और चौथी चीज़ कि उस तबके से हम लोगों को ऊपर लेके आएं जिसमें सबसे ज़्यादा हंगर और ड्राइव है। देखिए, मैं क्रिकेट जब खेलता था तो मैं HSN कॉलेज गया। सबसे बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ HSN कॉलेज में थी। हमारे पास ग्राउंडें थी, हमारे पास कोचेस थे। लेकिन जब हमारा मैच होता था क्लब से, जिनके जो वो खिलाड़ी थे वो सड़कों पे खेलते थे रात को, वो मिंटो पार्क में खेलते थे, वो उनके अंदर जो हंगर और ड्राइव थी वो हमारा HSN कॉलेज के लड़के उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसी तरह नमल यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि वहाँ 92% स्कॉलरशिप्स पे बच्चे हैं। सब ज़्यादातर गरीब घरानों के हैं, मेरिट के ऊपर आए हैं। नमल यूनिवर्सिटी जो ब्रैडफर्ड यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज एफिलिएटेड थी, आधी 50% को फर्स्ट डिव्स मिलती थी ब्रैडफर्ड में, क्योंकि वो मेहनत बहुत करते थे। ब्रैडफर्ड पे यूनिवर्सिटी से जब प्रोफेसर ने आके उनको देखा तो वो कंपेयर कर रहा था कि ब्रैडफर्ड में उनके स्टूडेंट्स वो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी वो मेहनत करते थे, जितनी उनकी हंगर और ड्राइव थी। तो जो हमारा क्रिकेट में ऊपर आते थे वो हमारी तरह के प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे उनका मुकाबला नहीं करते थे, उनमें ज़्यादा ड्राइव थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो ड्राइव है जिस सेक्शन में, उनको हम स्कॉलरशिप्स दे के ऊपर लेके आए। और इसीलिए ये स्कॉलरशिप्स के अंदर मेरिटोक्रेसी हमें चाहिए। ये जो आप पोर्टल बनाएं, इसमें ये इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, फिर कंप्लेंट्स कैसे आते हैं, उन कंप्लेंट्स की रिड्रेसल होगी। ये जो बिल्कुल अभी बात ठीक की गई कि स्टूडेंट के पैसे रुक जाते हैं, वो धक्के खाता फिरता है, कभी इधर भागता है कभी उधर, ये सारा कुछ इस पोर्टल के ऊपर हम एड्रेस करेंगे, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स आएँ उनको सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, उनको ये फिक्र ना हो कि ये जो प्रॉब्लम्स उनको आते हैं जब एक दफ़ा स्कॉलरशिप मिल जाए। तो स्कॉलरशिप भी मेरिट पे मिले, और जब मिल जाए तो उनको ये फिर प्रॉब्लम्स ना आएँ जो कि हमारे नौजवानों को बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे कई दफ़ा हमने बाहर भेजे हुए हैं स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे, उनकी मैसेज आती हैं कि जी पैसे रुक गए हैं। ऐसे कभी कोई चीज़ ना हो, और इसलिए फिर यह हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का पोर्टल बनाया। मैं अपनी जो टीम है, आदिल आपको जो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के अंदर जो टीम बैठी है जिन्होंने मेहनत करके पोर्टल डेवलप किया है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू।